दोस्तों, मैं संजीव कुमार, शुभम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो अति लघुत्रीय का बिल्कुल अंतिम वीडियो है और इस वीडियो को जो आप बहुत ध्यान से देखिएगा। आज के वीडियो में चैप्टर नंबर 12 से लेकर चैप्टर नंबर 14 तक, यानी लास्ट चैप्टर तक के अति लघुत्रीय प्रश्नों को बनाए गए हैं। तो और इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि आयनन ऊर्जा की परिभाषा दीजिए और हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसका मान क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले हमें आयनन ऊर्जा की डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसका मान कितना होगा इसको भी लिखना है। तो उस वीडियो को शुरू करने से पहले जो लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल एग्जाम का टाइम चल रहा है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस तरीके से जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो देखते हैं, इसके आंसर की बात करते हैं। तो आयनन ऊर्जा की परिभाषा ध्यान से सुनिए, किसी परमाणु को, ठीक है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि किसी भी परमाणु की जो एनर्जी होती है मूल अवस्था में वो कितनी होती है, -13.6 बटे एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहां एन जो है उसकी कक्षा होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, तो किसी भी, अगर n को हम एक मान के चले यानी प्रथम कक्षे के लिए, तो किसी भी परमाणु को न्यूनतम अथवा मूल अवस्था में कितना देना पड़ेगा, +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा। अगर हम बाहर से दे दें तो उस परमाणु की कुल एनर्जी कितनी हो जाएगी, +13.6 ये है और उसमें पहले से कितना होती है, -13.6, दोनों मिलकर कितना आ गया, 0। तो उस परमाणु की कुल ऊर्जा कितनी हो जाती है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाती है, अर्थात परमाणु जो है हमारा वो आयनित अवस्था में पहुंच जाता है। यह जो बाहर से हमको एनर्जी एक्स्ट्रा देनी पड़ रही है, यह बाह्य ऊर्जा ही परमाणु की क्या कहलाती, आयनन ऊर्जा कहलाती है। और हाइड्रोजन परमाणु के लिए इसका मान जो है +13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, परमाणु की अस्थायी कक्षा की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो परमाणु की अस्थायी कक्षाओं की मुख्य विशेषताएं क्या है, ठीक है। तो इसमें जो है अस्थायी कक्षा की बात कर रहे हैं, कक्षा का मतलब वही जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है घूमते रहते हैं, तो उसी की बात हो रही है। इसमें यह है कि इलेक्ट्रॉन का अस्थायी कक्षा वही होता है जिसमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन द्वारा इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता है। इन कक्षाओं में घूमते इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग जो है वो h/2π का पूर्ण गुणज होता है। h/2π का पूर्ण गुणज का मतलब होता है कि उसकी अगर कोणीय संवेग को हम कोणीय संवेग की बात करें तो वह h/2π यानी nh/2π, 2h/2π, 3h/2π, 4h/2π, इस तरीके से यानी h/2π का मल्टीपल होता है, ठीक है। यानी अगर हम h/2π से उसको डिवाइड करें तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, गुणज का मतलब यही होता है, जहां पे एच जो है वो प्लैंक कांस्टेंट है, ठीक है। तो यही है परमाणु की अस्थायी कक्षा की मुख्य विशेषताएं। एक बार फिर ध्यान से सुनिए कि इलेक्ट्रॉन का अस्थायी कक्षा वही होता है जिसमें घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता है, यानी कहने का मतलब जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसमें कोई भी ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता, और जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसका कोणीय संवेग जो है h/2π का पूर्ण गुणज होता है, जहां पे h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा की तरंग दैर्ध्य रिडबर्ग नियतांक r के पदों में दीजिए, ठीक है। यहां पे जो है हमको r के पदों में देना है, हाइड्रोजन r के पदों में हमें जो है स्पेक्ट्रम का मान देना है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बामर श्रेणी की द्वितीय रेखा के लिए, ठीक है। तो बामर श्रेणी के लिए हम जानते हैं, बामर श्रेणी के लिए क्या होता है, 1 λ इक्वल टू होता है आर 1/2 का स्क्वायर -1/n का स्क्वायर, जहां पे n जो है द्वितीय रेखा के लिए बात कर रहा था, n की वैल्यू जो है वो हमारी फोर्स होगी, तो वैल्यू रख दो 1 λ इक्वल टू आर 1/2 का स्क्वायर -1/4 का स्क्वायर इक्वल टू 1 λ आर 1/4 -1/16। तो एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 1 λ इक्वल टू आर, एलसीएम 16 हो गया तो ऊपर 3, ठीक है। तो लेमडा इक्वल टू
1 बाय लेमडा इजकल टू आर 3 बाय 16 या लेमडा इजकल टू 16 बाय 3 आर। ठीक है, आर के पदों में आ गया मीटर, क्योंकि लेमडा का मात्रक जो है वो मीटर होता है, तरंग दैर्ध्य। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप के नाम और सूत्र लिखिए। तो हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप होते हैं, पहला जो है हाइड्रोजन खुद ही, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया। उसके बाद जो है ड्यूटेरियम, फिर ट्राइटेरियम, ठीक है, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, ड्यूटेरियम और तीसरा जो है ट्राइटेरियम। मान कितना होता है, ये 1H1, 1H2, 1H3, ये इनके मान होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सम न्यूट्रॉनिक से आप क्या समझते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि सम न्यूट्रॉनिक यानी ऐसे परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, या कह सकते हो ऐसे नाभिक जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया कि ऐसे नाभिक जिनमें केवल न्यूट्रॉनिक है, तो न्यूट्रॉनिक का मतलब होता है न्यूट्रॉन, यानी ऐसे नाभिक जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या, और न्यूट्रॉन होता कहाँ है, नाभिक में, तो ऐसे नाभिक जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो उदाहरण के तौर पर आप ले लीजिए 1H3, 2HE4, 3Li7, 4Be8। अब इसमें देखिए आपके जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो सभी में जो है वो समान है। ठीक है, सभी में न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो समान है। जैसे 1s3 और 2s4 की अगर हम बात करें तो इन दोनों में दो दो न्यूट्रॉन है। ठीक है, तो परमाणु क्रमांक में से, परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक घटा दीजिए तो आपका न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाती है 3 में से 1 घटाओगे तो, और 4 में से 2 घटाओगे 2, यानी इन दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है और इन दोनों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान है। 3 में से कितनी 4, 4। ठीक है, 7 में से 3 घटाओगे 4 और 8 में से 4 घटाओगे तो 4। क्लियर, अगला क्वेश्चन है क्यूरी की परिभाषा दीजिए। अब क्यूरी क्या चीज है, इसकी हमको क्या करनी है, परिभाषा देनी। क्यूरी मात्रक किसका है, तो क्यूरी जो है वो रेडियो एक्टिविटी की मात्रक है, यानी रेडियो एक्टिविता का मात्रक है 6 का। तो क्यूरी देखो है क्या, यह रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक है। क्यूरी जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का मात्रक है। इसको जो है थोड़ा सा हम अलग तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, वो यह है कि यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में, यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में 3.7×10^10 विघटन प्रति सेकंड होते हैं, कहने का मतलब यदि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ में 3.7×10^10 विघटन प्रति सेकंड होते हैं, यानी एक सेकंड में कितने विघटन होते हैं, 3.7×10^10 विघटन होते हैं, तो उस पदार्थ की सक्रियता को हम एक क्यूरी बोलेंगे। यानी उस पदार्थ की सक्रियता कितनी हो जाएगी, एक क्यूरी, अर्थात एक क्यूरी इक्वल टू 3.7×10^10 विघटन पर सेकंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी रेडियो एक्टिव की अर्ध आयु से क्या तात्पर्य है। तो रेडियो एक्टिव की अर्ध आयु से क्या मतलब है, तो जो रेडियो एक्टिव की अर्ध, यानी वह समय अंतराल, वह समय अंतराल, यानी ये कहने का मतलब वह समय जिसके अंतर्गत किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की मात्रा अर्थात उसके परमाणुओं की संख्या रेडियो एक्टिव के क्षय के बाद घटकर उसकी प्रारंभिक मात्रा का आधा हो जाता है। यानी वह समय अंतराल जिसमें कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ विघटित होकर अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा रह जाता है, वह समय जो है रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु कहलाती है। ठीक है, अर्ध आयु कहलाती है, और इसको जो है कैपिटल टी से प्रदर्शित करते हैं। अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव क्षय का नियम लिखिए। रेडियो एक्टिव क्षय का नियम लिखिए, तो रेडियो एक्टिव क्षय का नियम क्या है कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं से, ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं से
अल्फा बीटा तथा गामा तीन प्रकार की किरणें निकलती हैं। अब देखना यह नियम यही लिख देना कि सॉरी कितने अल्फा निकलता है, बीटा और गामा। अब इनके निकलने से क्या फर्क पड़ता है, यही नियम है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से यानी किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणु से अल्फा बीटा गामा तीन किरणें निकलती हैं। अल्फा के निकलने पर, ठीक है, अल्फा के निकलने पर परमाणु का भार तथा क्रमांक बदल जाते हैं। इस प्रकार प्रारंभिक रेडियो एक्टिव परमाणु का क्षय हो जाता है तथा किसी नए तत्व के परमाणु का जन्म हो जाता है। इस घटना को हम रेडियो एक्टिव क्षय कहते हैं। ठीक है, कंबाइन रूप में ये लिख सकते हैं कि किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणु से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं और इन किरणों के निकलने के फलस्वरूप परमाणु के परमाणु भार और परमाणु क्रमांक दोनों उसके क्या होते हैं, बदल जाते हैं और एक नए परमाणु को प्राप्त कर लेते हैं, एक नए परमाणु को प्राप्त करते हैं। इस घटना को हम रेडियो एक्टिव क्षय कहते हैं। ठीक है, और वैसे भी मैंने अलग अलग भी बताया कि अल्फा के निकलने से क्या होता है, बीटा के, गामा के। तो अल्फा के निकलने से क्या फर्क पड़ता है, बीटा के और गामा से। गामा से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्फा बीटा, अल्फा का मतलब होता है हीलियम में, ठीक है, यानी उसके परमाणु क्रमांक में दो की कमी और परमाणु भार में चार की कमी हो जाती है। ठीक है, बीटा निकलता है तो उसके परमाणु भार वही होता है, परमाणु क्रमांक एक बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के छह नियतांक की परिभाषा दीजिए। रेडियो एक्टिव पदार्थ के छह नियतांक की परिभाषा देंगे, तो किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के छह नियतांक जो है उसके छह होने की दर से ही संबंधित है। तो परिभाषा ध्यान से सुनिए, परिभाषा यह है कि किसी छह रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं की छह होने की दर उस पदार्थ में विद्यमान परमाणुओं की संख्या के अनुपात को उस रेडियो एक्टिव पदार्थ का छह नियतांक यानी लैम्डा कहते हैं। तो कहने का मतलब, अगर रेडियो एक्टिव पदार्थ में परमाणुओं की संख्या कैपिटल एन है तो उसका छह नियतांक लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी एन बाई डी टी। ठीक है, यही उसका छह नियतांक है। अगला क्वेश्चन है, बीटा किरणों के दो प्रमुख गुण लिखिए। तो बीटा किरणों के दो हमके प्रमुख गुण लिखने हैं। बीटा किरणों के दो प्रमुख गुण निम्न है, पहला जो है आवेशित होने पर, ठीक है, आवेशित होने के कारण ये कण चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाते हैं। विक्षेप की दिशा से ये पता चलता है कि ये जो है ऋण आवेशित कण है, क्योंकि ये जो है धन की तरफ मुड़ती हैं या धन की तरफ विक्षेपित होती है। अल्फा कणों की अपेक्षा जो है इनका विक्षेपण बहुत ज्यादा होता है, यानी अल्फा किरणों में विक्षेपण कम होता है, बीटा में अल्फा की अपेक्षा ज्यादा होता है। इससे पता चलता है कि बीटा कण अल्फा कण की अपेक्षा बहुत ज्यादा हल्के होते हैं। ठीक है, अब भाई हल्का है तो ज्यादा मुड़ेगा, भारी है तो कम मुड़ेगा। दूसरा है, रेडियो एक्टिव पदार्थ में बीटा कण अत्यधिक उच्च वेग से उत्सर्जित होते हैं। इसका वेग लगभग प्रकाश की चाल से 1% से लेकर 99% तक होता है, यानी प्रकाश की चाल का 1% भी हो सकता है और 1% से लेकर 99% भी हो सकता है, या प्रकाश की चाल के बराबर भी इसका हो सकता है वेलोसिटी, किसकी, बीटा कण की। तो बीटा कण के ये दो प्रमुख गुण है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं, ठोसों में उपस्थित बैंडों के नाम लिखिए। ठीक है, तो ऊर्जा बैंड क्या है, इसकी सबसे पहले हमको परिभाषा लिखनी होगी। देखिए ऊर्जा बैंड क्या है, किसी निश्चित लघु ऊर्जा परिसर में, ठीक है, किसी निश्चित लघु यानी बहुत ही छोटे ऊर्जा परिसर में, रेंज की बात कर रही कि ऊर्जा का जो रेंज है वो काफी ज्यादा छोटा है, तो किसी निश्चित लघु ऊर्जा परिसर में अत्यंत निकट रूप से स्थित ऊर्जा स्तरों की एक बड़ी संख्या का समूह ऊर्जा बैंड कहलाता है। और ऊर्जा बैंड जो है वो दो प्रकार के होते हैं, पहला जो है चालन बैंड, दूसरा जो है वो संयोजन बैंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, संधि डायोड में अक्षय प्रत से क्या तात्पर्य है। तो संधि डायोड में अक्षय प्रत का क्या मतलब है, देखिए संधि डायोड में P और N संधि के निकट दोनों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई स्वतंत्र आवेश वाहक उपलब्ध नहीं होता है अक्षय प्रत कहलाता। अब जैसे मान लो यहाँ एक P, ये P रीजन है और ये N रीजन है, ठीक है, तो P में इलेक्ट्रॉन, N रीजन में इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये जो इसकी संधि के पास में दोनों का जो कॉमन है, यहाँ पे ना तो स्वतंत्र रूप से इलेक्ट्रॉन रह पा रहा ना ही क्वार्टर, ठीक है,
तो कोई भी आवेश वाहक यहाँ पे स्वतंत्र रूप से नहीं रह पा रहा, यही जो है हमारा क्या कहलाता है, अवक्षय परत कहलाता है। ठीक है, तो फिर से परिभाषा थोड़ा सा देखिए, परिभाषा थोड़ी सी इजी है, मतलब काफ़ी छोटी परिभाषा और थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा इसको जो है टेक्निकल है। ये यह है कि संधि डायोड में पीएन संधि के निकट दोनों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई स्वतंत्र आवेश वाहक उपलब्ध नहीं होता है अवक्षय परत कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ाने पर अर्धचालक के प्रतिरोध में क्या परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर सहसंयोजक बंध क्या होता है, टूट जाता है। भाई किसी भी अर्धचालक का अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका जो सहसंयोजक बंध है वो टूट जाता है, जिसके कारण सहसंयोजक बंध टूटने के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है और उसका प्रतिरोध कम हो जाता है। तो ताप बढ़ाने पर अर्धचालक का प्रतिरोध कम हो जाता है, कैसे कम हो जाता है अभी अभी हमने एक्सप्लेन किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर में कौन अधिक श्रेष्ठ है और क्यों। तो इसका रीजन यह है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में आवेश वाहक मुक्त होते हैं तथा पीएनपी में, ठीक है, इसमें जो है आवेश वाहक कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं एनपीएन में, और इसमें जो है पीएनपी में आवेश वाहक जो है वो कोटर होते हैं, परंतु कोटरों की गतिशीलता मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता से क्या होती है, अधिक होती है। भाई कोटर जो है इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा ज्यादा अधिक गतिशील होता है, इसलिए पीएनपी की तुलना में एनपीएन ट्रांजिस्टर अधिक उपयोगी है। ठीक है, सॉरी, गतिशीलता जो है इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होती है और कोटर की कम होती है। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन किसमें है, एनपीएन में, एनपीएन अधिक श्रेष्ठ है और ये जो है कम श्रेष्ठ है। ठीक है, तो जो श्रेष्ठ है वो एनपीएन है, क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है और इसमें कोटर की संख्या, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ज्यादा गतिशील होते हैं और कोटर कम गतिशील होते हैं, इसलिए श्रेष्ठ है। और इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन जो अति लघु उत्तरीय का और एक बनता है वो आपका पूरा गेट का है, क्योंकि गेट मैंने अच्छे से आपको फाइनल शॉर्ट भी दिया है गेट का, तो गेट का फाइनल शॉर्ट आप अच्छे से देख लीजिएगा। गेट का जो भी अति लघु उत्तरीय प्रश्न बनेगा वो आपका जो है कम अच्छे से तैयार भी हो जाएगा। तो इससे जो है हमने प्रश्नों को सेलेक्ट नहीं किया है अति लघु उत्तरीय का, क्योंकि ये जो है काफ़ी छोटा टॉपिक है गेट, लॉजिक गेट, और इसको मैंने अच्छे से बताया भी है, तो आप लॉजिक गेट जो है पूरा देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो, वेलकम। अगर अब तक यूट्यूब के सबसे नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस का आपने क्रैश कोर्स नहीं ज्वाइन किया है तो जरूर ज्वाइन करें। इसमें आपको सभी विषयों के नोट्स, वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट ईयर पेपर और बचे हुए महीने में आप किस तरीके से सभी विषयों की तैयारी करें सब कुछ बताया जाएगा। तो ज्वाइन करने के लिए दिए गए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।